हॉस्टल तो है ही और सब कुछ, कि वो लोग अपना दिमाग ही ना लगा पाए मुझ तक पहुँचने के लिए। पर भाई मैं तो राजा ही रहूँगा ना फिर, वो वाली बात है, क्योंकि पावर तो आदमी को सटका ही देती है। पर सोचो भाई सोचो, भाई कि अगर ऐसा आदमी हो वो थोड़ी सी थोड़ी कम जान लगा के करे, ऐसा ना करे पर वो भैंस से क्या हुआ पैराडॉक्स में चला गया आदमी। ओह फक, ओह उस पैराडॉक्स का नाम है शैतान, सेटन। मैं चल रहा हूँ टक 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 टक, एक काली थैली गिरी बूम, और उसमें से एक काला गांठ बंधा हुआ पीस ऑफ क्लॉथ गिरा, तो मैं बोलूँ ओए काला जादू हो गया मुझ पे। फिर बिल्ली दिखी मुझे, क्योंकि वो सब कनेक्टेड है भाई, वो हमें नहीं पता है। अब मैं ऐसा हो जाऊँगी ओ जादू ना, तो भाई मेरा तो गया खेल। पर अगर मुझे उस चीज़ को पार करना है तो मैं ऐसे बोलूँगा ओ हैंकर, उठा गांठ खोली उस थैली में डाला मॉडिफाइड और सीधा कूड़ा फेंका कूड़े के डस्टबिन में, चल पड़ा। कुछ नहीं है मेरे ऊपर भाई, कुछ नहीं है। यही तो इंडिया वालों को समझ में नहीं आता, दिमाग का है सब, दिमाग का है सब कुछ। तो ये सब इंडिया वालों को दिखाई नहीं देता, इंडिया वाले सोचते हैं ये आदमी अपने अपनी कुटिया में बैठा है या हिमालय पर्वत पे बस यूकेलेली बजा रहा है तो ये पागल है। तो वो वाली चीज़ है, और अरबिक में पागल का मतलब ही मैंने बताया रब सिर्फ करने वाला, तो वो वाली चीज़ है भाई कि हसलिंग है सब कुछ भाई। पर इंडिया नहीं समझता ये बात को, इंडिया में लोग रोक लेंगे ओ रात को आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता नहीं वहाँ पे एक औरत रहती है वो गांठ बांधनी वो चीज़ें फेंक देती है, फिर बिल्कुल आपका काया पलट जाएगी। अरे अंकल कुछ नहीं है। अरे है बेटा ये तुम वहाँ खड़े हो निजामुद्दीन ईस्ट में खड़े हो जहाँ अकबर बाल कटाता था, उसके साथ भी ऐसा होता। अंकल मुझे क्या मतलब उसके बाल कितने थे। नहीं बेटा तो समझ नहीं, अंकल आप नहीं समझ रहे हैं कि अंकल हमें संगीतकार, मेरा दोस्त है पेंटर, ये शायरी लिखते हैं वसीम साहब, हम लोग तीनों हसलिंग करते जाएंगे अमूल की डेयरी से आइसक्रीम उठाएंगे वापस आएंगे, कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होता भाई, फिर इंडिया ऐसा है कि वो मैंने जो सट्रानी की एक वीडियो देखी, मैंने कहा अगर मैंने ये कर दिया तो सारे लोग जो मेरे दोस्त नहीं बनते हैं स्कूल में वो मेरे दोस्त बन जाएंगे, और जितनी लड़कियां होंगी वो जो मुझसे दूर भागती हैं क्योंकि मैं अलग हूँ तो वो सारी आएंगी कि हाँ ये अलग है और हमें बस ये चाहिए। तो मुझे ये पता चल चुका था क्योंकि मैंने कॉन्सर्ट में लड़कियों को फर्स्ट रो में देख लिया था जो सट्रानी के कॉन्सर्ट में, तो मुझे पहले ये दिमाग में आया। और फिर आर्ट करते 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 गिटार बजाते बजाते लिटरली मैं उसमें घुस गया, क्योंकि आदत यही थी मेरी कि कोई भी काम करो उसमें घुस जाओ। कराटे में सीखता था, कराटे के सारे काता में काते सारे सीखता था, गिटार में मैंने कॉर्ड्स बजानी शुरू करी तो सारी कॉर्ड्स में इंटरेस्ट आने लगा, तो अपने आप ही घुसता गया मैं। और कोई मैं बता ही नहीं सकता कि आर्ट क्या है मेरी, मैं बता ही नहीं सकता बिकॉज देर इज नो फिक्स डेफिनेशन फॉर इट। और कोई बोलता है अगर मेरे से कि फिक्स डेफिनेशन बताओ तो मैं बोलता हूँ कि आगे बढ़िए। ऐसा फील्ड है जहाँ कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं 4 साल पहले भी ये कहता था कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, अब 4 साल हो चुके हैं सीखते सीखते अभी भी ये लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे लगता है 40 साल और भी हो जाएंगे तब भी ये लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं इस टाइम बाद इस लेवल पर आ जाऊँगा, कभी भी ऐसा नहीं लगता। वो चांस की बात है कि मैं गाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा तो सभी को लग ही जाता है क्योंकि इतने टाइम से सीख रहा हूँ तो अच्छा लग जाता है, लेकिन अपने आप फील नहीं होता कि हाँ मैं अब एक लेवल पे आ गया हूँ, कभी ऐसा नहीं लगता। मतलब हाँ ये है कि अगर मुझे चांस मिले बॉलीवुड में गाने का, मूवीज़ में गाने का, तो मैं ज़रूर गाऊँगा और मुझे लगता है कि मैं निभा भी दूँगा चीज़ें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ढूंढने को से बावरामन आँखें हैं नम आँसू भरी बंजर
गे राह मेरी जोगी बनू मैं तेरा जोगन मेरी ये मेरा खुद की कंपोजिशन है, कैसी है? यही कर रहा हूँ रिकॉर्ड अब। आदमी के कई ब्रेन के सेंटर्स होते हैं जो खुलते नहीं नेचुरली, तो मेरी ये गलती रही कि मैंने नेचुरली खोल दिया वो लिसर्जिक डाइथैलमाइड वगैरह का नाम सुना ही होगा आपने। अब वो जब 9 बार आई मेरे ब्रेन में तो उसने कुछ करिश्माती चीज़ें करी और मैं बन गया जीता जागता सिंथेसिया का चलता भरता बंदा। मुझे सिंथेसिया हो गया था नेचुरल कि मुझे कलर्स दिख रहे थे साउंड से, ये सब चीज़ें हो रही थी। और मतलब ऐसा मेरे अभी तक होता है कई बार, मुझे लगता है कि मेरी मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है पर असलियत में नहीं कर रहा होता। तो वो वाली चीज़ें मुझे हुई और फिर मेरा डायग्नोस हुआ और डायग्नोसिस और मुझे बोला गया कि कुछ मेडिकेशन मुझे लेनी पड़ेंगी बस 1.5 महीना, क्योंकि मैंने अपने आप को बड़ी बड़ा केमिकली इनहेंस कर लिया था। में एक्सफैक्टर आया तो कॉल आई कि हम एक्सफैक्टर से बात करें सोनी टीवी से, तो आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है दिल्ली में, साइलेंट ऑडिशन होते हैं ना पहले, उनके लिए बुलाया उन्होंने मुझे। और मैं तब भी ना ऐसे ही हल्के में ले रहा हूँ और मैं चला गया और मैम ने 4-5 लड़कियों का ग्रुप बनाया, उनको भी ले गई। और मतलब ऐसा था कि मतलब ये इत्तेफाक की बात है कि मैं उन सारे बच्चों से अच्छा गाता था, तो वो सारे लोगों का एक ग्रुप बना के मैम ले गई और मेरे को भी ले गई और 2-3 लड़के और थे हम सारे लोग ऑडिशन देने गए। और भाई मैंने वहाँ गाना गाया मोरा सैया और उन्होंने बोला ओके थैंक यू, और मैं बाहर। और भाई जो बाकी गर्ल्स थी उनका ग्रुप सेलेक्ट हो गया, तो मैम ने मुझे बहुत जलील किया, कहते हैं तूने बेइज्जती करा दी, तुझे बहुत बड़ा अपने आप को मोहम्मद रफ़ी समझता है, क्या किया तूने, हाँ हर बात को मज़े में लेता है, ध्यान से नहीं करता, सीख अब कुछ साल तब तू कुछ बनेगा। This is how not to play tabla. नॉर्मल वे टू प्ले द तबला। एक हफ्ता हुआ है मुझे लर्न करते हैं, सिर्फ एक हफ्ता, तो प्लीज। एक सीडी मिली मुझे वैली म्यूजिकल में, एक बंदे ने मुझे दी गॉड ब्लेस अली, और भाई सही में मैं ब्लेस हो गया उससे ना, क्योंकि उसे पता था कि अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, अब ये इस दलदल में फंस चुका है। अब मैंने जैसे कि सीडी देखी गॉड स्मैक और बीटल्स और लेड ज़ेप्पेलिन और ये और वो ऑफ, फिर मेरा इसी टीवी से ये डीवीडी प्लेयर और ये टीवी जो है ये ऐसी अरेंजमेंट में रहते थे, डीवीडी डाली और कमरा बंद करा और बस तो ये जो चीज है ये इतना स्ट्रेस निकाल देती थी ना कि दोस्त नहीं है कोई नहीं, ये नहीं है कोई नहीं, वो नहीं है कोई नहीं, बस क्लैरेंस मैम बोल रही है कि सन आर यू ड्रंक
were you drunk Ali? Patak, look at your homework, renaissance period. तो भाई मेरे को लगा कि भाई ये तो सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है कि ये मैं गिटार की एक कॉर्ड बजाऊं, दो तीन कॉर्ड बजाऊं, करता रहूं और फिर मेरा स्ट्रेस बस्ट, फिर मैं अगले दिन के लिए पिटाई के लिए तैयार हूं एकदम. So, Nikola Tesla said loud and clear, loud and clear. Smoke a blunt, roll a joint, have some fun. Roll a joint, smoke a blunt, have some fun. Roll a joint, smoke a blunt, have some fun. मुझे ना इस बात से नहीं था कि यार मैंने अच्छा नहीं गाया या मैं सीखूं और तब मेरा सिलेक्शन होगा. मेरे दिमाग में ये चल रहा था इन लड़कियों से तो मैं अच्छा ही गाता हूँ, जब इनका सिलेक्शन हो सकता तो मेरा क्यों नहीं हो सकता. तो मैंने कहा मैम मैं दोबारा ऑडिशन दूंगा. कहती है थप्पड़ मार दूंगी, बेइज्जती करा दी मेरी और अब दोबारा ऑडिशन देगा. मैंने कहा मैम दोबारा ऑडिशन दूंगा. और भाई मैं रोते रोते दिल्ली से घर आया. ठीक है मैम और के साथ सब लोग हम लोग घर आ गए तो मेरे को खूब जलील किया गया कि साला बेइज्जती करा दी इसने. मोहम्मद रफ़ी समझता आपने आपको. मैडम की मम्मी भी मेरे को सुना रही, कह रही है क्या बेइज्जती कराई तूने, ये देख बच्चियां सिलेक्ट हो गई तू रह गया. तो मैंने कहा चलो. अब मेरे दिमाग में चल रहा जब भी टीवी पे अनाउंस होंगे एक्स फैक्टर के ऑडिशंस, तब तक तो मैंने चलो फिर भी ना थोड़ा लाइटली ले रखा था. लेकिन उसी दौरान ना टीवी पे ऐड आया और सोनू निगम उसको होस्ट करने वाले थे, मतलब सोनू निगम उसमें जज थे. तो जब मैंने सोनू निगम को देखा ना, मैं सोनू निगम का गंदा वाला फ़ैन था, तो तब मेरे को इंटरेस्ट आया. मैंने कहा यार ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई. मैंने कहा अब तो मैं ज़रूर दूंगा ऑडिशन और मैं सिलेक्ट होऊंगा. हाँ मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम मैंने कल टीवी पे ऐड देखा एक्स फैक्टर का, मुझे तो ऑडिशन देना है दोबारा. कहती है सवारी पैदा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी तेरे को. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमीन, थम गया आसमान, जाने मन जाने जान. तुमने मुझे देखा. आपकी आंखें जितनी चकाचौंध हैं बातों से भी और भाव भंगिमाओं से भी, गले का क्या होगा? सर आपकी मेहरबानी होगी तो सर सब बढ़िया होगा बेटा, लेकिन वो तो है. मेरे हिसाब से गाने में तो मैं इतना प्रभावित नहीं हूँ. मैं आपसे देखता हूँ श्रेया क्या बोलती हैं और संजय जी क्या बोलते हैं. बहुत दूर है मंजिल मुझे लगता है और बहुत मेहनत करनी है. सत्य वचन घड़ी मेरी तरफ से नहीं श्रेया, नहीं मेरी तरफ से भी. I came back from my the course before it ended because मुझे वहाँ पे कुछ real music मिली नहीं. मुझे वहाँ पे scales मिले, charts मिली और ये सब जो books हैं ये सारी मिली. इन बुक्स में म्यूजिक नहीं है भाई. एक दिन में खड़े होकर मैंने ऐसे ही सुट्टा लगाते हुए सोचा कि जो हाईएस्ट पेड म्यूजिशियन हैं दे डिडंट इवन गो टू कॉलेज, एनी म्यूजिक कॉलेज. एंड म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट में मुझे इतना स्केड्यूल फॉलो करना होता है, ये सब करना होता है कि मेरी आर्टिस्ट जो अंदर मेरे आर्टिस्ट है वो सब वॉश अवे हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मैं वो बनता जा रहा हूँ कि गीक गाय जैसे सेंट जोस में होता है कि नोट्स छुपा रहे हैं लोग अपने ये वो. और यहाँ पे भी यही हो रहा है कि तुम्हें भाई कितनी देर करोगे तुम ये, कितनी देर करोगे. फिर मैंने सोचा भाई इंडियन क्लासिकल तो बहुत सही है, उसमें गुरु परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है, जहाँ पे तुम बैठ सकते हो, जहाँ पे तुम यू कैन एक्चुअली बी फ्री, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट, यू डोंट हैव टू रेज योर हैंड एंड नॉट गो टू ओपन काउंसलिंग सेशन. What's up? I want your toy. And hey, sibling, let's go. टीवी पे तो बहुत कम दिखाया था, 5 मिनट का दिखाया था. लेकिन मैं काफ़ी देर स्टेज पे रहा. सोनू निगम से बातें हुई खूब सारी, बोले कहाँ सीखते हो आप. मैंने कहा ऐसे ऐसे मैम के पास सीखता हूँ.
वो बोले कि वो सीख के कोई बात नहीं बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको किसी घरानेदार गुरु से तालीम लेनी पड़ेगी प्रॉपर, और कुछ साल आपको रियाज करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत आप संगीत में कुछ कर पाओगे। तो मैंने यही करा कि मैंने बोला कि तीन महीने अपने छोड़ के आता हूँ यहाँ और देखता हूँ क्या होता है, और मेरे को पंडित सुचित नारायण जी मिले। तो फिर वो मैं नहीं होता, वो इस वक्त वाला मैं नहीं हूँ जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो एक ऐसी मेंटल स्टेट है या स्टेज है, आई डोंट नो व्हाट टू से, जहाँ पर एक व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम बन जाता है कि जो कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो रही है, क्योंकि अरविंदो घोष ने भी ये कहा है कि आर माइंड इज़ नॉट अ जनरेटर, इट इज़ ओनली अ रिसीवर। तो वहाँ पे शायद मैं बीच में एक मतलब मैसेंजर हो जाता होऊंगा या एक कम्युनिकेटर हो जाता होऊंगा कि जो उधर से मुझे मिलता है, लेकिन साथ साथ में शायद कुछ हद तक, काफ़ी हद तक तो वो रहता है जो मैंने अभी कहा, लेकिन कुछ हद तक क्योंकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, रह रहे हैं, यहीं से बहुत कुछ पाया, आपसे भी शायद बहुत कुछ सीखा है, और उस तरीके से जो सुना जाना समझा हुआ होता है वो भी बीच बीच में से अपना रोल तो अदा करता ही है, कितना करता है वो परसेंटेज वेरी करता है हर परफॉर्मेंस में, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं तो शायद वो पक्ष कम हो जाता होगा। म्यूजिक के लिए दो चीजें चाहिए आपको, एक तो आउटपुट और इनपुट, और इनपुट मेरा हो पा रहा है। मैं 19 इयर्स की एज तक मैंने एक बार इवन अ सिंगल टाइम आई डिडंट अटेम्प्ट टू सिंग, मैंने ये भी नहीं करा था कि ये तक नहीं करा था मैंने कभी जिंदगी में, पर जब मैं यहाँ आया और मैंने अपना आर्टिस्ट सेल्फ खोला तब मुझे लगा भाई अब मैं गा भी सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, मुझे बस सोचना नहीं है इस बारे में। और यही गुरुजी प्रमोट करते हैं कि हर सिंगर बच्चा, ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सिंगर ही था बचपन से, वो तो ये था कि उसने ज़्यादा सोचा नहीं, उसने सोचा नहीं कि माँ है कि नहीं है कि सा है, मुझे तो सब सेम लगते हैं पर अलग भी लगते हैं तो बस उसने माँ बोला कि माँ माँ नी नी ऐसे कुछ भी, तो उसने ये करा कि उसने बिल्कुल बिना सोचे उस फिनोमिनन जिसे हम म्यूज़िक बोलते हैं, म्यूज़िक इज जस्ट प्लेजेंट साउंड, उन प्लेजेंट साउंड्स के साथ उसने बस जगलिंग करी और सीखता गया। पर अगर आप ये बोल दो कि रेड बॉल को जगल करके यहाँ लाना है और येलो बॉल वहाँ जानी है और रेड बॉल वहाँ जानी है और ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे जगल करना है, फिर ऐसे ऐसे, तो तुम इतने इंटैंगल हो जाओगे कि तुम्हारे अंदर का आर्टिस्ट ही मर जाएगा। और आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट इज अ बेसिकली, हाँ आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट क्या है, down.
एक आर्टिस्ट है अनकार्व्ड ब्लॉक. Not influenced by the shit of the world, but not influenced by either the good things or the bad things. तो बस वो एक ब्लॉक है. It's just a उसे क्या बोलेंगे, एक अनकार्व ब्लॉक को, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रिसोर्सेज. Obviously not. You write anything when you're alone. I wrote Sour Milk Sea. I wrote a number of songs which I've never recorded to this day. I wrote one called Derradoon. Why don't you play it for us, John? I don't know if I know it. Derradoon. Derradoon. One direction takes years, another takes you days. Doon 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 dera doon doon dera dera doon dera doon doon dera dera doon doon dera dera doon. वो वाली चीज मुझे बहुत फैसिनेट करती थी कि वीडियोस आते आए थे तो ये लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. कि जैसे राधा भवन का खंडर है या राजा कपूरथला का पैलेस है, मे बी वो लोग वहां जाम करते हो. या प्लेजेंट वैली में एक डैम है जो टूटा हुआ है, वो मे बी उनके जमाने में एक आदमी है जो कि वहां पे नीली आंखों वाला आदमी है काला पर नीली आंखों वाला. मुझे लगता था कि हो सकता है ये कोई डिसेंडेंट हो उनका, इलीगल चाइल्ड. मैं सोचता था कि भाई ये पॉल मैकार्टनी की तरह लगता है, हो सकता है यहीं पे आए हो वो भाई, यहीं पे हम जैमिंग करेंगे यहीं पे. सर ना, सुर और आवाज को बनाने में ध्यान देते थे. मतलब सुर पक्का होना चाहिए और आवाज जो बचपने वाली है ना, वो टैं टैं वाली, वो खत्म होके एक मैच्योर आवाज आए, एक प्रोफेशनल वाली आवाज़ आए, उसकी तरफ सर का फोकस ज़्यादा रहता है. उसको कहते हैं वॉइस कल्चर, कंठ संस्कार. तो वो सर ने मुझे सिखाना शुरू किया. तो तकरीबन 7-8 महीने बाद सर ने बोला कि अब आप 1 घंटा रियाज करो. फिर रियाज करने लग गया तो ना इम्प्रूवमेंट ना एकदम से आने लग गया, बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूव होने लग गया. फिर 6-8 महीने और बीते, सर ने बोला अब 2 घंटे रियाज करो, 3 घंटे करो. ऐसे बढ़ता गया, ताने गवाई सर ने खूब. गरे जानी धनी रे गा मा धनी रे गा रे जानी रे जानी नी दा मा दा बा मा गा मा धनी रा, ऐसे ऐसे करके ना खूब ताने सर ने मुझसे गवाई. तो वक्त बीतता रहा, मेरा गला इम्प्रूव होता गया, सिंगिंग इम्प्रूव होती गई. अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूँ मैं, तुम खुद ही समझ लो. या मौला Ya Mala, 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 Mere Mala, 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 Mere Mala, Mala, Mala. Logically, मुझे लगता है proved भी है scientifically, क्योंकि ना इंसान की जो energy है, मोस्टली एनर्जी इंसान की वेस्ट होती है आँखों के थ्रू. देखने में एनर्जी लगती है ना,
तो उनकी एक तरह से ये सारी एनर्जी बच जाती है और सारा खेल ही एनर्जी का है। इंसान आंख बंद करके 2 घंटे बैठ जाए मेडिटेशन करे तो उसको कितनी एनर्जी मिलती है आप जानते ही हो, तो वो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली हो जाती है उनके साथ। बहुत ब्रेन उनका ऐसा होता है ना, बड़ी जल्दी चीज़ों को समझ लेता है, सुनते ही चीज़ पहचान जाते हैं। एक ब्लाइंड बच्चा है, 2nd क्लास का बच्चा है, मेरे परफ्यूम से मेरे को पहचानता है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिन लोगों का या जिन व्यक्तियों का विजन नहीं है वो म्यूज़िक में ज़्यादा शायद टैलेंटेड होते हैं। उसका रीज़न भी शायद संभवतया ये होगा कि विजन ना होने से उनको अपने बाकी के काम करने के लिए अपनी बाकी की सेंसेस को थोड़ा ज़्यादा डेवलप करना पड़ा, क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट रहे हैं। जैसे म्यूज़िक इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द ईयर, है ना, कान से ही तो है, आप कान से ही सुर को सुनेंगे या ताल को सुनेंगे। तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जब अपने कानों की सेंस पर इतना ध्यान देगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सुनकर ही समझनी हैं, तो इसलिए शायद हम लोगों का सुनना एक आम व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा माइन्यूट हो जाता है। मुझे हो गया प्यार, एक लड़की था थी नाम नहीं लूंगा, उससे हो गया मुझे प्यार। अच्छा लो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्यार होना कि दिल धड़कता है लिटरली। मैंने स्कूल के पहले दिन बोला हिंदी क्लास में कि मेरे दोस्त को कि भाई तुझे कौन सी अच्छी लगती है उनमें से, तो उसने बोला कि वो ट्विंस में से वो वाली लड़की। तो मैंने कहा भाई दिखने में तो सेम है, बस एक तिल का फ़र्क है ये वो। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तिल वाली मेरी, बिना तिल वाली उसकी। और मुझे तिल वाली से बहुत प्यार हो गया, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। और मैं फ्यूँ पढ़ाई में फ्यूँ हो गया और म्यूज़िक में यूँ हो गया, क्योंकि मुझे म्यूज़ मिल गई अपनी। अब म्यूज़ मिल जाती है तो आदमी गिटार बजाते हुए ये बोलता है ना कि यार लड़की की आंखें और काजल वाजल वो लगा के आती थी, और उसके जैसे होठ थे, जैसे उसकी बॉडी थी, जैसे उसके हाथ थे, जैसे कमल की तरह हाथ और बिल्कुल सब कुछ। और फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि उसके बाल के मैं पीछे बैठा हूँ और थोड़े से बाल सूंघे, और वो भी कर रही है, नोटिस भी कर रही है, पर मैं लिटरली बाल खींच के थोड़े से सूंघ रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो भाई वो म्यूज़ बन गई मेरी, तो रात दिन मैं बस उसके बारे में सोचता था, सोलो उसका कवर करता था, तो स्टाइल आने लगा मेरे गिटार प्लेइंग में। हेलो दोस्तों, आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं हमारे जयेश दोस्त। हाय गाइस, अरमान जनवी का हाय, ये भंड है। व्हाट्स योर चैनल्स नेम इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? बकचो न्यूज़ चैनल। जयेश, ओह वाह, आई लव योर चैनल गाइस, बकचो न्यूज़ चैनल। मैं अभी इतना सीरियस हो रखा था, जैसे ही मैंने सुना बकचोद न्यूज चैनल, बकचोदी फुल ये चैनल ही बनाए बकचोदी के लिए, और ये हमारे आज के बकचोदी। गुड जॉब, थैंक्स मैन। और जैसा कि आप दोस्त, तो मैं बता सकता हूँ कि उसको कि मैं बहुत नशे में बच्चो, उन्हें पता है। पीपल से मैं बोलना चाहूंगा भाई, नेवर नेवर गो फॉर केमिकल एनहेंसमेंट्स, just go for yoga and meditation, because meditation is what you are naturally from the time you were born. Kyunki bhai jab subconscious mind aur conscious mind ek ho jaye kisi ke to extremes mein jiyega na, usse to lagega ki bhai dreams mujhe itni khatarnak aati hain, fir main uthta hu mujhe lagta hai ki meri dream hi sach ho gayi hai, aur matlab tum jaise baithe hue ho mujhe agar ye lagne lage ki main tumhe bahut saalon se janta hu
और तुम्हारी शक्ल जो है जिन लोगों से मिलती है, तुम्हारा नेचर भी उन लोगों से मिलता होगा, तो मैं तुम पे टिप्पणियाँ दे दूंगा या तुम्हारा प्रोफाइलिंग कर लूँगा अपने ब्रेन में कि ये ऐसा है, और तुम्हारा रैटिट्यू ही कर लिया तो रैटिट्यू की तरह मैंने प्रोफाइलिंग कर ली, वैसे ही तुम्हें जज कर रहा हूँ, वैसे ही तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ हो जाएगी ना कि मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, पर वो एक्चुअली में है नहीं ट्रुथ। वो ना मेरी फ्रेंड है, मतलब उससे मैं कभी मिला नहीं हूँ आज तक, कहती है मैं कल आ रही हूँ देहरादून, मैंने कहा आ जाओ, तो वो आई, तो शाम को उसका फ़ोन आया, कहती है मैं आ गई हूँ, वाइन शॉप खुली होगी, मैंने कहा हाँ खुली होगी, मैंने कहा चल मिलते हैं, तो कहती है कि नहीं यार अभी तो मैं भैया के यहाँ ठहरी हूँ तो अभी तो पी नहीं सकती, तो कल दिन में मिलते हैं, मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा अभी मिल लेते हैं पियेंगे कल दिन में, कहती है नहीं यार कल ही मिलते हैं बस, कल पियेंगे तब साथ में हुड़दंग मचाएंगे, मैंने कहा ठीक है चल, तो सुबह उसका फ़ोन आया, मैंने कहा यार मैं तो रुड़की निकली, सवाल ही पैदा नहीं कि भाई खान साहब सवाल ही नहीं कर रहा था मैं तो भाई, उस दिन आखिरी दिन होगा मेरा, जिस दिन मुझे पता चल गया और भैया ने पी आखिरी दिन, मतलब आप नहीं पियोगे उसके बाद? मैं तो पीता ही नहीं, घंटा उस दिन तो बियर पिया था मैंने। मेरा भी अब कभी 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 यार जहाँ कभी कभी वाला सीन होता है ना वहीं रेगुलर भी होने लग जाता है, कभी कभी वो रेगुलर हो जाता है, एक बार भी नहीं, बस दोस्त कहते हैं ना अरे आज बस आज, आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे, मैंने कहा भाई आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं, अगर आज कर ली ना तो फिर कभी भी हो सकता है, तो आपको कभी हुआ ही नहीं ना कुछ कभी, आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा कभी? क्या एक्सपीरियंस? ये पीना खाना ये सब नहीं। स्कूल में मैं इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि पहले मैं ना बहुत ही इंडिपेंडेंटली काम करता था, मेरी ट्यूशन्स होती थी शाम में हो गई, या जब भी मेरा मन होता था मैं बच्चों कहता था आज छुट्टी या आज हम सुबह कर लेंगे या आज हम शाम को कर लेंगे, लेकिन अब क्या होता है कि मेरी रात और मेरी सुबह आधा दिन मेरा ना फिक्स हो चुका है कि मैं इस टाइम में कुछ नहीं कर सकता, रात को मैं खाना खा के यहाँ 10:15 तक पहुँचता हूँ, फिर मैं कब क्या करूँ यार, घर में भी छोटे मोटे काम रहते हैं, पानी भरना, ये करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, कौन करेगा ये सब, कब मैं प्रैक्टिस करूँगा, कब मैं सोऊंगा, कब सुबह 5 बजे उठूँगा क्योंकि स्कूल 7 बजे निकलना है स्कूल के लिए, स्कूल जाऊँगा 2 बजे वहाँ से निकलता हूँ, खाना वाना खाने में 3 बज जाते हैं, 3 बजे आता हूँ थोड़ा सांस भी लेना होता है क्योंकि स्कूल में बच्चों के साथ थकान हो जाती है थोड़ी बोल बोल के ना, तो 3 बज जाते हैं, यहाँ आके थोड़ा लेट जाता हूँ तो नींद आ जाती है 3:30 बजे से फिर क्लास, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 बजे गुरुजी, फिर बाकी दिनों में NIVH, तो इस तरह से ना मैं अब काफ़ी बंद गया हूँ, पहले मैं क्या करता था घर में सेटअप लगा रखा है मैंने माइक्स वगैरह, तो कैरोके में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता था, अब वो भी नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं मिलता। Oh, भाई, I'm waiting for the time कि if I quit smoking, then it should be the next part of this documentary. Because if I quit smoking and if I do what my guru has told me to do, I can become one of the best singers the world has ever seen. Because भाई मेरे माइंड में सिंगिंग आइडियाज़ बहुत हैं और बहुत सारी म्यूज़िक आइडियाज़ भी हैं, तो मैं इस डॉक्यूमेंट्री जब बन रही थी तब तक मैंने असलियत में कुछ मेहनत नहीं करी है ज़्यादा लाइफ में, पर जब मैं अब इसके एंड में सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है क्योंकि कल रात को मुझे सपने आ गए हैं 1-2-3, तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ तो मे बी आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर मे बी इन द फ्यूचर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा अपना घर हो, मेरी फैमिली यहाँ है, लेकिन मुझे घर यहाँ पहले घर बनाना तो बहुत मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है, और अगर सब लोग आ भी गए तो वो खाएंगे कहाँ से, तो मुझे पहले ही एक ऐसा बिजनेस या कुछ ना कुछ सेटअप करके देना है कि एक फिक्स्ड इनकम आती रहे और घर चलता रहे, तब मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला सकता हूँ।
अरमान जी, अरमान कोई नई खबर? नई खबर तो कोई भी कुछ नहीं, चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं गुरु जी, बस लाइफ चल रही है। और आप रुक गए? मैं रुक गया हूँ अभी थोड़ी देर, पेट के लिए अभी तो मेरा दिल टूटा हुआ है अभी का। मिर्जा गालिब वगैरह जो थे, मैं उस दिन ये डिस्कस कर रहा था, वो लोग इतने महान थे कि एक ही लाइन में 100 लाइन का मैटर लिख देते थे। उनका एक शेर था, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। देखो, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, वो कहता ये है कि दर्द तो दिल का था, मिन्नत उठाई, एहसान भी लिया, हकीमों और तमाम लोगों के पास चला गया, बट मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, जैसा था वैसा ही। हाँ, क्योंकि ये जो दर्द होते हैं, ये बड़े अलग किस्म के दर्द होते हैं, इनका इलाज किसी ना हकीम के पास होता है, ये खुद से ही हो जाते हैं। मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि भाई अगर मैं शाहरुख खान हूँ तो मेरी गौरी खान अभी दुखी है मुझसे, और मुझे बस उसे मुंबई में ही मैंने दिल तोड़ा अपना सोच। तो मुंबई ऐसी जगह है जिसपे मेरा इस बार बहुत मन से गया था मैं, जब हम साथ थे, और बस दिल टूट के वापस आया मुंबई से। गुरुजी ने मुझे बोला कि हम जैसे लोग बहुत दिल से चीज़ें करते हैं, दिल लगा लेते हैं किसी से और दिल टूटता है, तो हम लोग हर काम को मन से करते हैं। वो सही बात है भाई, मैं मन से प्यार करता था उससे, उसका मन उठ गया मुझसे, और ऐसे ही कुछ करा भी नहीं मैंने ऐसा, तो भाई मुझे लगता है कि मैं मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कभी, ताकि मैं रिग्रेट नहीं करूं कभी 3 साल बाद 4 साल बाद के मैंने उसे मनाने की कोशिश नहीं करी। भाई लड़कियाँ ऐसी होती हैं कहीं ना कहीं, लड़कियाँ मूव जल्दी कर जाती हैं पता नहीं कैसे, और लड़कों का दिल ऐसा होता है कि हम लेके बैठ जाते हैं। मुझे पता है कि मैं जब अकेला होऊंगा, आज मुझे नींद नहीं आने वाली, मुझे पता है उससे कॉल करने का मन करेगा, उसने मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, पता नहीं किस लिस्ट में डाल दिया, हर बार बिजी 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 बिजी, मैसेज नहीं रिप्लाई कर रही है, धीरे धीरे सारे कॉन्टैक्ट अपने कम कर रही है, बोल रही है मुझे तुझसे प्यार नहीं है। और वही बात है यार कि लाइफ गोज ऑन, और लाइफ में मकसद मेरा तो यही है भाई कि मुझे प्यार हो फिर से उससे, उसे भी मुझसे प्यार हो फिर से, और चले अपना। तड़पे कितने साल तक और न अब तड़पा, कहती है ये दूरियां सीने से लग जा, motherfuckers and sword!